हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट भोपाल। तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग, कैसे रही कल की क्लास? मुझे पता है थोड़ा टफ था, लेकिन आपको ऐसा प्रिपरेशन तो करना ही पड़ेगा। कल का क्लास तो खैर मुझे बहुत अच्छा लगा था। आज के क्लास से आपको थोड़ा सा और जो डाउट्स हैं ना, वो और क्लियर होते जाएंगे। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जब तक वीडियो को 2-3 बार नहीं देखोगे, आपका ये सॉल्यूशन कुछ वैसा होने नहीं वाला है। तो आज अपन कंपोजिट सेक्शन पढ़ेंगे, लेकिन उसमें क्या करेंगे अपन, आज रॉड एंड ट्यूब वाला क्वेश्चन करेंगे। आज क्या करेंगे अपन, रॉड एंड ट्यूब वाला क्वेश्चन करेंगे। देखिए कैसे, आप सिंपल सी बात समझिए कि हम लोग आज के क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक हॉलो सिलेंडर लेंगे। जैसे पेन होता है ना, आपका पेन का जो ऊपरी सतह है ऐसा हॉलो, मतलब इसके अंदर क्या है, छेद है। इसके अंदर क्या है, ये छेद है। मान लो कि ये जो सेक्शन आपने लिया है, ये जो सेक्शन आपने लिया है, ये स्टील का है। ये किसका है, स्टील का, और इसे क्या बोलते हैं अपन, ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने पेन में रिफ़िल भरा है ना, हाँ पेन जो होता है उसके अंदर आपने क्या भरा, रिफ़िल भरा। अपन इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर आप मान के चलो कि एक अपन रॉड डाल देते हैं, ऐसा कॉपर का ऐसा एक रॉड इसके अंदर में ही डाल देंगे। ठीक है, ये आपका कॉपर का रॉड हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, कॉपर का रॉड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे अपन फिक्स कर देंगे ऊपर से और नीचे से, क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। तो आप अगर ये सेक्शन देखना चाहते हो अच्छे से, तो मैं सिंपल सी बता रहा हूँ बात, कि जो आपका पेन होता है ना, उसमें जो रिफ़िल डालते हो, तो आपका जो ऊपरी सतह है पेन का, वो आपका हो जाएगा स्टील ट्यूब, और आपका जो रिफ़िल है वो आपका क्या हो जाएगा, कॉपर। अब क्या करेंगे सर, अपन फिक्स कर देंगे ऐसे ऊपर से। अपन ने क्या किया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इसको ऐसा बोलेगा कि इसको फिक्स कर दिया गया एक प्लेट से। हो सकता है कभी कभी आपको बोल दे कि प्लेट का थिकनेस ये है और ये है, और कभी कभी नहीं भी रहेगा। तो प्लेट के थिकनेस से आपको परेशान नहीं होना, अगर प्लेट का थिकनेस कुछ है जिससे आपने इसको फिक्स किया है, तो उसको क्वेश्चन में आपको नेग्लिजेबल मानना है। नहीं दिया हुआ तो अच्छी बात है, अगर आपको प्लेट का थिकनेस दिया हुआ है तो आप उसको क्या मानोगे, नेग्लिजेबल मानोगे। अब इस पर लग गया लोड, अब इस पर क्या लग गया, लोड। तो आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होगा कि आप निकालो स्ट्रेस इन स्टील ट्यूब, इन स्टील ट्यूब एंड कॉपर रॉड, एंड कॉपर रॉड। दूसरा आपको दे सकता है लोड निकालने के लिए, लोड इन स्टील ट्यूब। देखिए ये अगर जो पहला ये बंदा जो देख रहा है अभी स्टार्टिंग में, मैं बोलूँगा इससे पहले वाले लेक्चर्स देख लो, क्योंकि ये पहले वाला लेक्चर का ही मैं थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ, तो थोड़ा शॉर्टकट नहीं बताऊँगा। ठीक है, तो जो इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा वो देख लो जाके, लोड इन स्टील ट्यूब एंड कॉपर रॉड, एंड कॉपर रॉड। कभी कभी क्या करता है ना क्वेश्चन कि दोनों ही क्या करता है, हॉलो दे देता है, दोनों ही क्या कर देता है, हॉलो दे देता है, मतलब ऐसा कुछ। देख लो थोड़ा सा, जैसे कि ये सिलेंडर है ना ऐसा, इसके अंदर छेद है। अगर इसके अंदर जो कॉपर का रॉड दिया गया है, इसके अंदर जो कॉपर का रॉड दिया गया है, उसमें भी कभी कभी क्या होता है, छेद होता है, तो वो आपको दे देगा उस सिचुएशन में। तो आपको बस ध्यान रखना, आप हमेशा ये मत मान के चलना कि अंदर जो हमेशा आपका जो रॉड होगा वो हमेशा क्या होगा, सॉलिड होगा, ये आप मत मान के चलना। ये सॉलिड भी हो सकता है और एक ट्यूब भी हो सकता है, तो इसमें आपको परेशान नहीं होना, सिर्फ और सिर्फ एरिया का डिफरेंस आएगा, सिर्फ और सिर्फ एरिया का डिफरेंस आएगा, कोई भी कैलकुलेशन में अंतर आने वाला नहीं है। और वीडियो को 2-3 बार देखना भाई, शेयर वेयर करो, थोड़ा मज़ा भी आए। चलिए, तो पहला केस आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, स्ट्रेन इक्वल होता है, तो स्ट्रेन इन स्टील ट्यूब, स्ट्रेन इन स्टील ट्यूब इज इक्वल्स टू स्ट्रेन इन कॉपर रॉड। फिर मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि जो लोड होगा, जो लोड आप दोगे, वो दोनों ही क्या करेगा, ले लेगा उसको, मतलब जो लोड है उसको आपका कॉपर रॉड भी लेगा और उसको आपका स्टील ट्यूब भी लेगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो टोटल लोड होगा P, वो क्या हो जाएगा, PC और PS। फिलहाल ज़्यादातर क्वेश्चन में कॉपर और स्टील ही होता है। ठीक है, चलिए, अच्छा रिकॉल हो रहा है आपका। और चौथा अगर आपको कभी निकालने दे दे, चेंज इन लेंथ, क्या निकालने दे दे, चेंज इन लेंथ, कि आपके लोड लगने पर इसमें क्या चेंज इन लेंथ होगा। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है माई फ्रेंड, देखिए ये तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हो गया था, यहाँ पे एक नया चीज़ मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो है चेंज इन लेंथ। कि हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में बोल दे
कि चेंज इन लेंथ निकालिए। तो माय फ्रेंड, आपको ध्यान रखना है कि जो चेंज इन लेंथ होगा वो दोनों के लिए इक्वल होगा। या तो आप कॉपर रॉड का निकालो या तो आप स्टील ट्यूब का निकालो, दोनों का ही चेंज इन लेंथ क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान देना है, अगर कभी भी चेंज इन लेंथ बोले तो आप किसी का भी चेंज इन लेंथ निकाल दो, चेंज इन लेंथ। हर साल यहाँ से क्वेश्चन आया है, याद रखना, दो लेक्चर से हर साल क्वेश्चन आया है, चेंज इन लेंथ स्टील ट्यूब। अभी स्टील का ट्यूब मैंने माना है, सिर्फ एजम्पशन है ये, बराबर चेंज इन लेंथ इन कॉपर ट्यूब। तो ये आपका थोड़ा सा रिकॉल हो गया, मैं फिर से बोलूँगा, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं मत देखो, इससे पहले वाला लेक्चर देखो, क्योंकि ये सब कंसेप्ट का क्वेश्चन अपन उसमें कर चुके हैं। तो आप इसको हल्का सा नोट डाउन कर लो, फिर अपन सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी आ चुका है, मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में फिगर दे देता है और कभी कभी आपको फिगर बनाना पड़ता है, तो आप ये मान के चलो कि आपको फिगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है और आपको फिगर बनाना है। पेशेंस रखना, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझना आगे के जितने टॉपिक्स हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आएगा आगे मत बढ़ना, समझ में आएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर क्लास होता तो मैं अच्छे से समझाता कि आपको ध्यान देना, लेकिन आप समझिए, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है स्टील रॉड, एक स्टील का रॉड है, अ स्टील रॉड ऑफ 3 सेंटीमीटर डायमीटर इनक्लोज्ड, मतलब अंदर है, सेंट्रली बीचों बीच, इन ए हॉलो ट्यूब ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर 5 सेंटीमीटर एंड इंटरनल डायमीटर 4 सेंटीमीटर। देखिए अंग्रेजी में बहुत प्यार से बोला गया है यहाँ पे कि एक स्टील का रॉड है जो कॉपर के ट्यूब के अंदर है बीचों बीच, एक स्टील का रॉड है जो कॉपर के ट्यूब में है बीचों बीच, और इसका डायमेंशन आपको बहुत प्यार से दिया हुआ है कि किसका क्या डायमेंशन है। तो चलिए मैं आपको लिए थोड़ा सा यहाँ पे फिगर बना देता हूँ, फिगर पे ध्यान देना। मान लो ये आपका ट्यूब है, ये आपका क्या है, ट्यूब है, ऐसा ये आपका ट्यूब है, और ट्यूब किसका है, कॉपर का, तो इसको बोलेंगे अपन क्या, कॉपर ट्यूब, जिसका एक्सटर्नल डायमीटर है 5 सेंटीमीटर। तो बाहरी डायमीटर है 5 सेंटीमीटर और अंदर का डायमीटर है 4 सेंटीमीटर, ये अंदर का डायमीटर है 4 सेंटीमीटर। तो आप सबसे पहले इसका डाटा लिखो, तो डाटा में देखो बच्चों, आगे बढ़ेंगे, पहले आप फिगर बनाओ, फिगर बनाने के बाद हल्का सा डाटा निकाल लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन तो खैर सिंपल ही है। चलिए तो इसको क्या लिखा होगा, आउटर डायमीटर को लिखोगे डी सी आउटर 5 सेंटीमीटर। अब मैंने डी सी आउटर क्यों लिखा, क्योंकि ये कॉपर का है इसलिए सी, और बाहरी है आउटर इसलिए ओ, तो डी सी आउटर, इसका मतलब क्या समझ गए आप कि आउटर डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर मतलब 5 मिलीमीटर। अंदर का डायमीटर को क्या लिखेंगे, डी सी आई 4 सेंटीमीटर, आपका ये हो जाएगा 50 मिलीमीटर और ये आपका हो जाएगा 40 मिलीमीटर। इसके बीचों बीच क्या था, इसके बीचों बीच एक स्टील का रॉड था, इसके बीचों बीच क्या था, एक स्टील का रॉड था। तो मान लो कि इसके बीचों बीच एक स्टील का रॉड है, ये आपका स्टील का रॉड है, ये अंदर में एक स्टील का रॉड है। चलिए तो अंदर में आपका ये हो गया स्टील रॉड, देखो ऐसा कुछ भी नहीं था, अरे ये मान लो रिफिल है और ये पेन है ये मान लो रिफिल और ये क्या है, पेन है। अरे समझाओगे, तुम लोग बहुत समझदार बच्चे हो। चलिए तो इसकी डायमीटर क्या दी हुई, इसकी डायमीटर दी हुई है 3 सेंटीमीटर, इसकी डायमीटर दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, इसको लिखूँगा डी एस, मतलब डायमीटर फॉर स्टील 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब हो गया 30 मिलीमीटर। अगर यहाँ तक कहानी समझ में आ रहा है तो आगे कहानी आपके लिए बहुत आसान है। क्वेश्चन आप लिखकर यहाँ तक की कहानी समझो, सिर्फ यहाँ तक अभी तक, हाँ कि भैया एक कॉपर का ट्यूब है, उसके अंदर एक स्टील का रॉड है और उसकी डायमेंशन पर अपन ने लिखी कि किसका क्या डायमेंशन है। अब आगे पढ़ते हैं,
द कंपोजिट बार इज देन, मतलब ये जो कंपोजिट बार है इसको फिक्स कर दिया गया है, ठीक है, ये कंपोजिट कहलाएगा, हाँ इसको ऐसा फिक्स कर दिया गया। द कंपोजिट बार इज देन सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ऑफ, इस पे पुल लग रहा है, मतलब इस पे बाहर की तरफ लोड लग रहा है 45,000 न्यूटन का, तो पी यहाँ पे लग रहा है 45,000 न्यूटन का इस पे लोड दिया जा रहा है। चलिए तो आपको यहाँ पे पी दे दिया गया है 45,000 न्यूटन, कल के जैसा ही है, कल बस वो आरसीसी था, ऐसा था कल, कल कुछ इस प्रकार की कहानी थी हमारी जिसके अंदर रॉड था, और आज कुछ इस प्रकार की कहानी है कि ट्यूब के अंदर रॉड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ द लेंथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई पूरी दी हुई है 15 सेंटीमीटर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपन को, फिर भी आप लिख लो, इसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर, कन्वर्ट करके 150 मिलीमीटर। डिटरमाइन स्ट्रेस इन रॉड एंड ट्यूब, मतलब ट्यूब और रॉड में क्या स्ट्रेस लग रहा है वो आपको निकालना है। और आगे क्या बोल रहा, लोड कैरिड इन ईच बार, इन्होंने कितना लोड लिया है, मतलब कितना लोड आपका कॉपर ट्यूब ने लिया और कितना लोड आपके स्टील रॉड ने लिया है। तो फ्रेंड यहाँ से वीडियो को फिर से देखना स्टार्ट करो ताकि क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाओ, मैं बार बार बोलूँगा, वीडियो लंबा होगा, यहाँ तक समझ में आने के बाद ही आगे बढ़ना। चलिए तो आपको निकालना है सिग्मा सी, मतलब कि स्ट्रेस इन कॉपर ट्यूब, क्योंकि स्ट्रेस बोला है ना, और आपको निकालना है सिग्मा, ट्यूब और रॉड दोनों के लिए बोला है, सिग्मा एस, ये हो जाएगा स्ट्रेस इन स्टील रॉड। चलिए फिर आपको लोड भी निकालना है, मतलब आपको पीसी निकालना है, लोड इन, कितना लोड आपका कॉपर ट्यूब ले रहा है, कितना लोड आपका कॉपर ट्यूब ले रहा है, और आपको निकालना है पीएस, मतलब कि लोड इन स्टील रॉड। ये इतनी सारी चीज़ें आपको निकालनी है, तो इसके आगे क्वेश्चन मार्क, इसके आगे क्वेश्चन मार्क, इसके आगे क्वेश्चन मार्क, इसके आगे क्वेश्चन मार्क। कुछ दिया हुआ है, इलास्टिसिटी फॉर स्टील ES आपको दिया हुआ है 2.1 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और आपको EC दिया हुआ है कॉपर के लिए 1.1 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। चलो यार अभी तक तो सिर्फ क्वेश्चन की ही कहानी है, अभी तो सॉल्व करना अपन ने शुरू भी नहीं किया है। तो बच्चों अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरे बच्चों, तो आप क्वेश्चन बना भी लोगे, अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा तो फिर कोई मतलब ही नहीं। तो यहाँ तक के वीडियो को बहुत अच्छे से देखो, बहुत अच्छे से समझो, फिर आगे बढ़ना, ठीक है। एक बार में देखोगे फंस जाओगे, मैं पहले बता रहा हूँ, जो एक बार में देख रहे हैं वो भैया पास पास नहीं होने वाले, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, है ना, मैं अंधेरे में नहीं रखता किसी को। चलिए मैं बोर्ड मिटाऊँगा, लेकिन सबसे पहले अपन एरिया निकाल लेते हैं, सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, एरिया, उसके बाद आप नोट कर लेना। चलिए तो सबसे पहला काम आपका एरिया निकालने का है, तो आप सबसे पहले निकालिए एरिया ऑफ कॉपर ट्यूब, एरिया ऑफ कॉपर ट्यूब। चलिए तो अगर देखिए कभी भी आपको ट्यूब का डायमीटर एरिया निकालना हो तो वही फॉर्मूला होगा, पाई बाय 4 डी सी आउटर का स्क्वायर और डी सी इनर का स्क्वायर। क्लास 8 में पढ़ा था कि आउटर के डायमीटर का स्क्वायर माइनस इनर के डायमीटर का स्क्वायर, तो ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा 3.14/4, ये था आउटर 50 और ये इनर था 40 का होल स्क्वायर। मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ बुक से देखकर, ठीक है, आप लोग मुझे पता है कैलकुलेट कर लोगे। चलिए तो आप इसका एरिया बुक में निकाला है क्या, निकाला है, निकाला है, निकाला है, बहुत दूर निकाला है यार, चलो हटाओ मैं निकाल देता हूँ, इतना मेहनत करवाएगा यार। तो ये हो गया 0.785, 50 का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा 2500 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 1600, इसको माइनस करेंगे तो 900। आ जा भाई कैलकुलेटर, मुझे मेहनत करवा लो पूरा भाई, अच्छे से पढ़ना, अगर मुझसे ना समझ में आया ना तो फिर किसी से नहीं आने वाला समझ में तुमको, ठीक है। 706.5 मिलीमीटर स्क्वायर, ये क्या निकला, एरिया फॉर कॉपर, एरिया फॉर कॉपर निकला है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ए
सी कितना 706.5 मिलीमीटर स्क्वायर। देखो यार, जब क्वेश्चन आप स्टार्ट करोगे ना, तो एक पेज में जो क्वेश्चन लिखोगे, जो नीचे का जो जगह बचेगा उसको रखना सिर्फ और सिर्फ डाटा मेंटेन करने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैं देखो ना, अपना बोर्ड का लेफ्ट हैंड साइड रखता हूँ ना, क्यों रखता हूँ, क्योंकि मुझे डाटा मेंटेन करना है। तो आप भी लेफ्ट हैंड साइड अपना रखना, क्योंकि आपको डाटा मेंटेन करना हो। अब इसी तरीके से निकाल लेंगे एरिया ऑफ स्टील रॉड। तो ये तो रॉड है ना, मतलब कि AS ये तो रॉड है, तो सिंपल निकल जाएगा पाई बाय 4 DS का होल स्क्वायर। तो 3.14 अपॉन 4 DS, डायमीटर फॉर स्टील कितना था, 30 मिलीमीटर। तो 30 का स्क्वायर। अब भाई कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो यार सही कर लेना आप लोग, ठीक है, क्योंकि मेरा पूरा फोकस पढ़ाने पे रहता है, कैलकुलेशन पे नहीं। 706.5 दोनों का एरिया क्या है, इक्वली है फ्रेंड। चलो अच्छी बात है, इक्वल है। तो ए एस क्या हो जा रहा है, 706.5, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपका एरिया निकालने का था, अपन ने एरिया निकाल लिया। अब इतना नोट करो, फिर मैं इरेज करूंगा, तो फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे अपन। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। आगे का कंसेप्ट मैंने आपको क्या बताया था, आगे का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रेन होगा वो दोनों में ही क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए तो दूसरा कंसेप्ट लगा के अपन रिलेशन निकालेंगे। तो आपको मैंने बहुत प्यार से बताया था कि जो स्ट्रेन होगा यहाँ पे, स्ट्रेन इन, ये कॉपर का था ना, कॉपर था और ये स्टील था। चलिए, स्ट्रेन इन कॉपर ट्यूब इज इक्वल्स टू स्ट्रेन इन स्टील रॉड, ठीक है। मैं फॉर्मूला आपको फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। देखिए, आपको मैंने पढ़ाया था कि इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन को इधर भेज दो तो स्ट्रेन हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन इलास्टिसिटी। स्ट्रेन क्या हो जाएगा, ये रफ में ध्यान देना, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे स्ट्रेन की जगह पे क्या लिखेंगे, स्ट्रेस अपॉन इलास्टिसिटी, और यहाँ भी स्ट्रेस की जगह पे क्या लिखेंगे, स्ट्रेस अपॉन इलास्टिसिटी। ये कॉपर के लिए है इसलिए सी सी, और ये स्टील के लिए है इसलिए एस एस। आ रहा होगा समझ में यार, अब ऐसा भी कुछ नहीं, इतना बेवकूफ़ थोड़ी ना, तीसरा क्वेश्चन चल रहा है, आ रहा होगा, आ रहा होगा, ठीक है। और नहीं आ रहा तो सिर्फ समझो दिमाग में कुछ दिक्कत चल रहा है आप लोगों का। चलिए, तो सिग्मा सी, ई सी की वैल्यू, ओ माय गॉड, ई सी की वैल्यू मैंने मिटा दिया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन है, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या था भैया, ई एस की वैल्यू थी 2.1 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और ई सी की वैल्यू थी 1.1 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट कर दो, तो ई सी की वैल्यू है 1.1 × 10⁵ और ई एस की वैल्यू है 2.1 × 10⁵। इसको इधर भेज दो, ठीक है। तो ये सिग्मा सी इंटू, ये इधर आके हो जाएगा 2.1 × 10⁵ अपॉन 1.1 × 10⁵ इज इक्वल्स टू सिग्मा एस। तो ये 10⁵, 10⁵ कैंसिल, 2.1 को डिवाइड कर लो 1.1 से, 2.1 को डिवाइड कर लो 1.1 से। तो चलिए 2.1 डिवाइडेड बाय 1.1, तो ये कुछ इस प्रकार का हो जा रहा है 1.90 सिग्मा सी इज इक्वल्स टू सिग्मा एस। तो ये आपका क्या निकल गया, ये आपका निकल गया फ्रेंड रिलेशन। तो यहाँ से आपका हो गया सिग्मा एस इज इक्वल्स टू 1.90 सिग्मा सी। तो ये आपका रिलेशन निकल गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, आ जाएगा समझ में। रिलेशन निकल गया, अब लोड को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। चलिए फ्रेंड, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा बहुत अच्छे से, इससे आपको स्ट्रेस का रिलेशन मिल गया। अब अपन दूसरा कंसेप्ट लगाएंगे। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि ये जो लोड लग रहा है ना 45,000 न्यूटन का, जो यहाँ पे लोड लग रहा है मेरे दोस्तों, वो दोनों ही कैरी करेगा, इक्वल नहीं करेगा, लेकिन हाँ दोनों ही वो लोड लेगा। मैंने एग्जाम्पल लिया था ना फ्रिज वाला, कि मैं और मेरा भाई फ्रिज उठा रहे, तो मैंने भी कुछ लोड लिया है फ्रिज का, उसने भी कुछ लोड लिया है। तो अब आप दूसरा कंसेप्ट याद रखिए कि जो टोटल लोड होगा वो क्या होगा, लोड इन कॉपर, जो कॉपर आपका लोड ले रहा है,
प्लस लोड इन स्टील रॉड और ये ट्यूब। मतलब फ्रेंड कि जो लोड आपने लगाया है वो लोड कॉपर ने भी लिया और वो लोड स्टील ने भी लिया, तो दोनों को जोड़ोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, टोटल लोड हो जाएगा। मैंने एग्जांपल दिया था ना, एक बार फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर लो कि आपने अगर एक फ्रिज लिया और मैंने उसको उठाया है और मेरे भाई ने उसको उठाया है, तो अगर हम दोनों का लोड जोड़ोगे तो वो किसके बराबर निकलेगा, वो फ्रिज के लोड के बराबर निकलेगा, क्योंकि हम दोनों ने फ्रिज के लोड को ही तो उठाया है। तो यहाँ पे स्टील और कॉपर ने जो लोड लिया है वो 45,000 न्यूटन के बराबर ही होगा। ठीक है, ये फ्रिज वाला एग्जांपल याद रखना कि जो मैंने लोड लिया मान लो पी एस और जो मेरे भाई ने लिया पी सी, दोनों को जोड़ोगे तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल लोड हो जाएगा। चलिए, दिमाग जल रहा है, कुछ मज़ा आ रहा है इंजीनियरिंग में, यही तो है भैया प्योर इंजीनियरिंग। अभी तो और दिमाग जलेगा जब आप SMD BMD पढ़ोगे, तब मैकेनिक्स तो पढ़ा नहीं होगा किसी ने, मेहनत करना सीख लो भाई, वरना बोलते हैं ना बेरोजगार इंजीनियर, वो वाला हाल अपन को नहीं करना, अपन को अच्छे इंजीनियर बनना है भाई। ठीक है, अच्छे इंजीनियर कब बनोगे, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल लगा के। चलिए, तो पी इज इक्वल्स टू पी सी प्लस पी एस। अब यहाँ पे भी फॉर्मूला लगेगा, थोड़ा सा मैं वो भी बता देता हूँ आपको। देखिए, कल हमने आपको बताया था कि स्ट्रेस इज इक्वल्स टू पी अपॉन ए होता है, ए को उधर भेज दो तो सिग्मा ए क्या हो जाएगा आपके, पी के बराबर। तो जो पी हो गया वो हो गया सिग्मा इंटू ए, ये आपको बताया था, फिर से बता देना, जो पी हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, क्योंकि पता है कि सिग्मा क्या है, पी अपॉन ए। चलिए, टोटल पी की वैल्यू कितनी है, 45,000 लिख दो यहाँ पर ही, 45,000 न्यूटन ही था, ठीक है, किलो न्यूटन नहीं था शायद। पी सी सिग्मा इंटू ए, तो यहाँ पे सिग्मा सी ए सी और यहाँ पे सिग्मा एस ए एस, क्योंकि पी होता है क्या, स्ट्रेस इंटू एरिया, तो स्ट्रेस इंटू एरिया यहाँ पे कॉपर के लिए था इसलिए सिग्मा सी ए सी, स्टील के लिए था इसलिए सिग्मा एस ए एस। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको पता है क्या पता है कि सिग्मा एस जो है वो 1.90 सिग्मा सी के बराबर है, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। चलिए रखते हैं, तो 45,000 बराबर सिग्मा सी की वैल्यू अपन को नहीं पता है, हाँ ए सी पता है 706.5, ए सी पता है कितना, हाँ 706.5। सिग्मा एस की वैल्यू पता है आपको 1.90 सिग्मा सी, तो सिग्मा एस के जगह पे 1.90 सिग्मा सी, और ए सी की वैल्यू आपको पता है 706.5। तो फ्रेंड दो दो तीन तीन बार वीडियो को देखना तभी जाके समझ में आएगा, कुछ नहीं किया अपन ने, सिग्मा सी की जगह पे सिग्मा सी, ए सी की जगह पे वैल्यू रखा, सिग्मा एस की जगह पे 1.90 सिग्मा सी क्योंकि आपने रिलेशन निकाला था, और ए एस की जगह पे 706.5, सिर्फ और सिर्फ क्या किया, वैल्यू पुट किया। अब आप यहाँ पे देखो सिग्मा सी क्या होगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा क्योंकि दोनों में है, तो सिग्मा सी जैसे ही बाहर निकलेगा यहाँ बच गया 706.5 और यहाँ बच गया 1.90 इंटू 706.5। ठीक है, तो यार देखना वीडियो को एक दो बार, यार मैं कितनी बार एक ही चीज़ को बोलूँगा, वीडियो लंबा होगा, बाकी महान इंसान है जो एक ही बार देख रहे हैं उनसे घंटे से कुछ नहीं होने वाला, मेहनत तो करना पड़ेगा दोस्त, मैं यहाँ पे खड़ा होकर मेहनत कर रहा हूँ तो आपको वहाँ बैठ के भी मेहनत करना पड़ेगा, जो मेहनत नहीं कर रहे हैं ना सोम तो फिर निकलने भी नहीं वाला, और आगे जाके घटिया इंजीनियर बनोगे वो अलग, घटिया क्या महा घटिया बनोगे। 1342.35, ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। यार ऐसा कौन बताता है यार, एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ तोड़ तोड़ के, ऐसा कोई नहीं बताता ना, कॉलेज वॉलेज में भी मैंने देखा कोई फैकल्टी वल्टी इतना दिमाग पे स्ट्रेस नहीं डालता, क्योंकि आता भी क्या घंटा है उन लोगों को जो स्ट्रेस डालेगा। 2048.85 नीचे भेज दो, तो 45,000 बटे 2048.85 इज इक्वल्स टू सिग्मा सी। चलिए यहाँ से सिग्मा सी की वैल्यू निकल गई, डिवाइडेड बाय 2048.85, 21.96 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अच्छा एक बात समझना थोड़ा सा, रुको, 21.96 हो सकता है आप कैलकुलेट करो तो यहाँ पे 22 आ जाए वो भी सही, हो सकता है 98 आ जाए वो भी सही, हो सकता है 95 आ जाए वो भी सही, तो आंसर वेरी करता है, आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर अलग आएगा थोड़ा बहुत, मैं कैलकुलेट करूँगा तो आंसर थोड़ा आएगा अलग, तो आपको परेशान नहीं होना है।
तो चलिए आपको सिग्मा सी की वैल्यू पता चल गई, तो यहाँ पे एक आंसर दे दो मस्त। चलिए तो यहाँ से आपको सिग्मा सी की वैल्यू पता चल गया कितना, 21.96 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। बोर्ड में मेरा जगह नहीं है, इतना नोट करो ठीक है, पाउस करके। कल मैं गाना गा रहा था और वो करना ही भूल गया यार यार सर गाना वाना गा रहे थे। चलो तो आपको पता है सिग्मा एस भी तो निकालना है, सिग्मा एस आपको पता है कितना, 1.90 सिग्मा सी, 1.90 सिग्मा सी। तो 1.90 सिग्मा सी की वैल्यू आपने निकाली अभी कितनी, 21.96, 21.96। तो यहाँ से आपका स्टील का भी स्ट्रेस निकल गया, तो 1.90 मल्टीप्लाई बाई 21.96, 41.724 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। चलिए पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया, सिग्मा एस भी आपका निकल गया कितना, 41.724 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड नहीं समझ में आए तो वीडियो को फिर से देखना और यार दोस्तों को शेयर करो। ये तो सिर्फ अभी सिर्फ एक पॉइंट निकला है, अपन को लोड भी निकालना है। देखो तो मैं कंटिन्यू बोलते ही जा रहा हूँ, बोलते ही जा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आगे पीछे करके देखना ठीक है, एक सांस में मत पढ़ना पूरा, कितना समझाऊंगा यार, समझदार हो तुम लोग। देखो फिर लोड निकालते हैं। चलिए फ्रेंड तो अब निकाल लेते हैं लोड, क्वेश्चन को खत्म करते हैं, आइए निकाल लीजिए। तो अपन निकाल लेते हैं सबसे पहले लोड इन कॉपर ट्यूब, मतलब कि पी फोर्स ठीक है। तो पी का फॉर्मूला क्या निकला था पीसी का आपने, सिग्मा सी ए सी, सिग्मा सी ए सी। तो सिग्मा सी आपको पता है 21.96 और ए सी 706.5, या मल्टीप्लाई कर लेना जो भी आएगा न्यूटन में आंसर कर देते हैं, वरना मुझे गाली वाली ना दे दो तुम लोग, बोलोगे यार सर फर्जी पढ़ाते हैं। तो ये आ रहा 15514 न्यूटन, पॉइंट मैंने छोड़ दिया। फिर क्या निकालना है अपन को, फिर निकालना है लोड इन स्टील रॉड, लोड इन स्टील रॉड, मूवी की तरह हो गया ना, कितने देर से चल रहा है साला, ख़त्म ही नहीं हो रहा। अभी तो इसमें आप चेंजिंग लेंथ निकालने के लिए नहीं बोला है, वरना कहानी और चलती। सिग्मा एस की वैल्यू फ्रेंड देखो, पी एस की वैल्यू क्या होगा, सिग्मा इंटू मैंने बताया था ना स्ट्रेस क्या होता है, पी अपॉन ए, तो इसको उधर भेज दो, तो सिग्मा इंटू ए क्या हो गया आपका पी। सिग्मा एस, सिग्मा एस 41.724, 41.724 ए एस वही था 706.5, मल्टीप्लाई कर लो, आएगा तो एग्ज़ाम में ना, ये 14 नंबर का आता है भाई, बना दोगे पास हो जाओगे ठीक है। और पहला यूनिट बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, कंपलसरी टाइप का होता है, नहीं बनाओगे पहले यूनिट का तो कचला हो जाएगा। चलिए फ्रेंड तो ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, नोट कर लो अच्छे से, चाय नाश्ता कर लो तब दूसरे क्वेश्चन में आना, अभी मत पढ़ना दूसरा क्वेश्चन, पहले चाय नाश्ता कर लो, थोड़ा सा दिमाग को रिलैक्स कर लो, फिर अगला क्वेश्चन पढ़ना ठीक है फ्रेंड। चलिए तो चलिए फ्रेंड, आई होप आपने नाश्ता वास्ता कर लिया होगा, नाश्ता नहीं किया है तो कर लो, और जो नाश्ता किया वो कमेंट बताओ कि आपने क्या नाश्ता किया है ठीक है, मुझे भी पता चले मेरे बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं सोम पढ़ते पढ़ते ठीक है। भूख लगती होगी बहुत, इतना मेहनत कर रहे हो भाई पढ़ रहे हो तो ज़रूर कमेंट करना कि नाश्ते में क्या करा है भाई ठीक है। चलो और जो नाश्ता नहीं किया भाई कर लो, कितना इस क्वेश्चन में पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत हो गया मजाक। ए कंपाउंड ट्यूब कंसिस्ट ऑफ, कंपाउंड ट्यूब मतलब दो ट्यूब का जो सम्मेलन होता है ना उसे बोलते हैं कंपाउंड ट्यूब। ऑफ ए स्टील ट्यूब 140 मिलीमीटर इंटरनल डायमीटर एंड 160 मीटर सॉरी एक्सटर्नल डायमीटर, हाँ 140 इंटरनल डायमीटर एंड 160 एक्सटर्नल डायमीटर एंड द आउटर ब्रास ट्यूब, मतलब ब्रास ट्यूब उसके बाहर भी एक ट्यूब है 160 मिलीमीटर इंटरनल डायमीटर एंड 180 मिलीमीटर एक्सटर्नल डायमीटर। यार पहले इसकी कहानी समझो कि एक्चुअली में है क्या। देखो कंपाउंड ट्यूब बोल रहा है, अब तक क्या था फ्रेंड इससे पहले वाले क्वेश्चन, देखो वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन करेंगे दिमाग खुलेगा ठीक है, बनना सब वैसा ही है, देखो कंसेप्ट इक्वल है सबका, आप इंजीनियर हो आपको समझ में आ रहा होगा कि कंसेप्ट इक्वल है, एक ही तरीके से सब बन रहा है ठीक है, बस थोड़ा सा गेम कर रहा है आपके साथ। चलिए गेम को समझते हैं।
तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब है भाई, हम क्वेश्चन बनाने से मतलब रखते हैं ना, सारा ट्यूब के अंदर ट्यूब रहे या ट्यूब के अंदर रॉड रहे, कंसेप्ट तो वही रहेगा मेरे दोस्तों। ठीक है चलिए, तो सबसे पहले आप जानो कि एक स्टील का ट्यूब है, एक क्या है, एक स्टील का ट्यूब, इतना जगह मैं तो मैं लिख लूँगा। चलिए कि ये आपका स्टील का ट्यूब है, मान के चलो ये आपका एक स्टील का ट्यूब है। जिसके बारे में क्या बोला गया दोस्तों, 140 मिलीमीटर इंटरनल डायमीटर, मतलब अंदर जो है वो है 140 मिलीमीटर और जो बाहर है वो है 160 मिलीमीटर। देखो डाटा कैसे निकलता है, इतना पढ़ा ना, अब बेटा यहाँ पे डाटा लिखो सबसे पहले कि D किसका है, ये स्टील का है, किसका है ये है स्टील का, तो डी एस आउटर मतलब बाहर का है 160, तो ये होगा 160 मिलीमीटर, डी एस इनर अंदर का 140 मिलीमीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे कह रहा है एंड द आउटर ब्रास ट्यूब, इसके बाहर एक ब्रास ट्यूब लगा हुआ है जिसका इंटरनल 160 है और एक्सटर्नल 180, मतलब इसके बाहर एक ब्रास का ट्यूब है, इसके बाहर एक ऐसा ब्रास का ट्यूब है ऐसा, चलिए इसके बाहर एक ब्रास का ट्यूब हो गया, ये आपका है ब्रास का, ठीक है, ये आपका है स्टील का और ये आपका है ब्रास का, मतलब दो ट्यूब हैं यार अंदर, दो ट्यूब हैं, ट्यूब के अंदर ट्यूब है ना, डब्बे के अंदर डब्बा फट गया डब्बा वैसा वाला। चलिए तो स्टील ट्यूब के अंदर, सॉरी स्टील ट्यूब के बाहर एक ब्रास का ट्यूब है, फिर से समझो थोड़ा सा, कुछ भी नहीं है, मान लो कि ये बाहर वाला ट्यूब ब्रास का है, ये बाहर वाला ट्यूब किसका है दोस्तों, ये बाहर वाला ट्यूब ब्रास का है, इसके अंदर एक और ट्यूब है ऐसा, ये भी एक ट्यूब हो गया ना, ये ट्यूब है आपका किसका, स्टील का। चलिए मत परेशान होइए, तो आपको बाहरी डायमीटर दिया हुआ है डी बी आउटर, ठीक है, कितना 180, तो बाहरी डायमीटर है इसका 180, तो लिखेंगे डी बी आउटर 180 मिलीमीटर और ये अंदर का इसका है डायमीटर कितना 160 मिलीमीटर, तो लिखेंगे डी बी इनर 160 मिलीमीटर। देखो फ्रेंड मैं फिगर इसलिए बता रहा हूँ ना, क्या कि इमेजिनेशन कर पाओ, ये डाटा तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इनर है ना, तो इनर हो गया कितना आपका स्टील का, तो डी सी इनर 140, ये आपका 160 डी सी आउटर, तो डाटा तो आप वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन ये फिगर इसलिए बना ताकि एक फील ले पाओ कि हाँ है क्या, इतने भी बेवकूफ़ नहीं हो आप। एक स्टील का ट्यूब है, उसके ऊपर मतलब उसको अंदर डाला गया है, किसके ब्रास ट्यूब के अंदर डाला गया है, बस सिंपल सी बात है, ठीक है, तो ये आपका बाहर वाला ब्रास का हो गया, ये बाहर वाला ब्रास का हो गया और ये अंदर वाला, ये वाला जो पोर्शन है वो स्टील का हो गया, ये स्टील का पोर्शन हो गया और ये ब्रास का पोर्शन हो गया। चलिए देखिए वहाँ मैंने फिगर बनाया था ना, आगे पढ़ते हैं, अब बहुत समय लॉस हो रहा है इसमें। द टू ऑफ ट्यूब ऑफ सेम लेंथ, दोनों का लेंथ क्या है, सेम है, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। द कंपाउंड ट्यूब कैरीज एन एक्सियल लोड ऑफ 900 न्यूटन, मतलब इस पर जो लोड लग रहा है, इस पर जो ऐसे बाहर की तरफ लोड लग रहा है 900 किलो न्यूटन का, तो पी आपको दे दिया है 900 किलो न्यूटन। फाइंड द स्ट्रेस एंड लोड कैरिड बाई ईच ट्यूब, आपको स्ट्रेस और लोड निकालना है, मतलब आपको निकालना है सिग्मा एस, मतलब कि स्ट्रेस इन स्टील ट्यूब, आपको निकालना है सिग्मा, ब्रास है ना यहाँ पे, तो सिग्मा बी लिख दो, स्ट्रेस इन ब्रास ट्यूब, ठीक है, आपको निकालना है फिर क्या, लोड कैरिड, देखो फाइंड द स्ट्रेस एंड लोड कैरिड, तो आपको निकालना है पी एस लोड इन स्टील ट्यूब, फिर आपको निकालना है पी बी लोड इन ब्रास
ट्यूब। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है आगे क्वेश्चन पढ़ो। यहाँ तो पढ़ लिया ना भाई, एच ट्यूब एंड द अमाउंट इज शॉर्टेंड। और इसमें यार एक और चीज़ बोल दिया कि इसमें कितना चेंज इन लेंथ हो रहा है वो भी आपको निकालना है। यहाँ पे देखो ना अमाउंट इट शॉर्टेंस, इसका मतलब आपको निकालना है चेंज इन लेंथ भी निकालना है। तो डेल एल बी निकाल दो, ब्रास का चेंज इन लेंथ, चाहे डेल एल सी निकाल दो, सॉरी स्टील का निकाल दो, दोनों का चेंज इन लेंथ क्या होगा, सेम होगा। तो चेंज इन लेंथ मेरे बच्चों, ठीक है, लेंथ ऑफ ईच ट्यूब, ईच ट्यूब की लंबाई दी हुई है, मतलब स्टील का और ब्रास का दोनों का लेंथ क्या होगा, सेम होगा। तो एल एस और एल बी आपको दिया हुआ है कितना, 140 मिलीमीटर, मतलब कि लेंथ, ठीक है फ्रेंड। और दिया हुआ है ई फॉर स्टील, ई फॉर स्टील, ई एस स्टील का कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁵ यूनिट नहीं लिख रहा, वही है यार। और ई भी आपको दिया हुआ 1 × 10⁵। यार अगर आप मेरी बात को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप गधे बन रहे हो। फॉलो क्या, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले क्वेश्चन जब स्क्रीन पे आता है क्वेश्चन लिखो, चार बार पढ़ना क्वेश्चन लिख के, आपने चार बार पढ़ा, देखो बड़ा क्वेश्चन इसलिए बहुत बार गाइड करना पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप रहेगा कि मैंने जब क्वेश्चन पढ़ा ये आपने डाटा निकाला और सिर्फ अपन ने भी क्वेश्चन समझा है, सॉल्व करना स्टार्ट भी नहीं किया है। समझने में आधा से ज़्यादा समय लगेगा आपका, समझ जाओगे कैलकुलेशन है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ तक आप अच्छे से समझो क्वेश्चन को, बार बार वीडियो को देखकर सब डाटा को समझो, सर बोलना क्या चाहते हैं कि एक ट्यूब के अंदर ट्यूब है, हाँ लोड लग रहा, सबको समझो तब आगे बढ़ना, वरना आगे मत बढ़ना माय फ्रेंड। तो नोट करो, ठीक है, फिर अपन आगे सॉल्व करते हैं। चलिए फ्रेंड, आई होप आपने समझ लिया होगा। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता था, सबसे पहला काम होता था हमारा एरिया निकालने का। सबसे पहला काम क्या होता था, एरिया निकालने का। तो सबसे पहले अपन एरिया निकालेंगे, ठीक है। ये मेरे पेन को क्या हो गया आज, लगता है ये भी शहीद हो गया। चलिए, तो सबसे पहला काम था एरिया निकालने का, आइए एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ब्रास ट्यूब, क्योंकि ब्रास का ट्यूब है तो ए बी, तो फ्रेंड ये हो जाएगा पाई बाय 4, डी बी आउटर का स्क्वायर, डी बी इनर का स्क्वायर। मैंने आपको बता दिया था कि आउटर माइनस इनर का स्क्वायर होता है जब हॉलो हो तब, ठीक है। 3.14/4, डी बी आउटर कितना था, 180, देखो मैंने लिख के रखा डाटा, 180 का होल स्क्वायर और 160 का होल स्क्वायर। यार मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, समय बहुत जा रहा है, मुझे पता है आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो ए बी निकल जा रहा 5340.7 मिलीमीटर का स्क्वायर, मुझे पता है कर लोगे यार आप लोग, मुझे पता है, इतना तो बता दिया तुम लोगों को। चलो तो यहाँ पे ए बी मेंटेन कर लो, कितना हो गया ए बी, 5340.7 मिलीमीटर का स्क्वायर। एक इंजीनियर बनो, सारा डाटा मेंटेन करो। फिर निकाल लेंगे एरिया ऑफ स्टील का भी ट्यूब ही है, एरिया ऑफ स्टील ट्यूब, तो ये ए एस से डिनोट करेंगे क्योंकि स्टील था। तो पाई बाय 4 डी एस आउटर का स्क्वायर, डी एस इनर का स्क्वायर, तो 3.14 × 4, 160 था बाहर का, 140 था अंदर का। मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, आप कैलकुलेट कर लेना, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो परेशान मत होना। 4712.4 मिलीमीटर स्क्वायर। तो डाटा मेंटेन करो, ए एस 4712.4 मिलीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो फ्रेंड एरिया निकाल लिया ना, आप इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आप इसको अच्छे से नोट करो पहले। चलिए, तो पहला कंसेप्ट क्या था, स्ट्रेन दोनों में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है भैया पढ़ाने में। तो स्ट्रेन इन ब्रास ट्यूब इज इक्वल्स टू स्ट्रेन इन किसका था, स्टील ट्यूब। तो देखिए फॉर्मूला मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ, आपको पता है इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन को उधर भेजोगे तो स्ट्रेन का फॉर्मूला हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन इलास्टिसिटी,
तो आप इसको लिखोगे सिग्मा अपॉन ई, और इसको भी लिखोगे सिग्मा अपॉन ई। ये स्टील है इसलिए एस एस, और ये ब्रास है इसलिए बी बी। चलिए इलास्टिसिटी की वैल्यू पुट कीजिए, सिग्मा बी ई बी। देखिए इलास्टिसिटी दिया था ब्रास का 1 × 10⁵, तो 1 × 10⁵ सिग्मा एस 2 × 10⁵। इसको उधर भेज दो तो सिग्मा बी इंटू 2 × 10⁵ अपॉन 1 × 10⁵, और ये हो गया सिग्मा एस। बस वो तो उधर भेज दिया ना अपन ने, 10⁵, 10⁵ कैंसिल, तो ये हो गया 2 σb σs। ठीक है फ्रेंड, आया ना समझ में? देखो स्ट्रेन का फॉर्मूला, स्ट्रेस अपॉन इलास्टिसिटी। ब्रास है तो बी बी, स्टील है तो एस एस, ई बी की वैल्यू पुट की, ई एस की वैल्यू पुट की, इसको उधर भेजा, काट कूट के ये आपका रिलेशन निकला। चलिए तो रिलेशन क्या है, सिग्मा एस इज इक्वल्स टू 2 σc। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से अपना क्या निकल गया, रिलेशन निकल गया। इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो टोटल लोड होगा वो दोनों शेयर करेगा, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, अगला कंसेप्ट लिख सकते हैं टोटल लोड इज इक्वल्स टू लोड इन ब्रास ट्यूब, प्लस, देखो मैं बोलता हूँ ना इसलिए, ताकि मैं थोड़ा लिखता है थोड़ा घसीट घसीट के, इसलिए बोल अच्छे से देता हूँ। थक गया आज तो भाई आप लोगों को पढ़ाने में, लाइक वाइक करो स्टील ट्यूब। चलिए तो पी इज इक्वल्स टू पी बी, ब्रास है तो पी बी और पी एस, स्टील है तो एस। थोड़ा सा फिर से रिकॉल कर देता हूँ, आपको पता है स्ट्रेस होता है पी अपॉन ए, इसको इधर भेज दो तो सिग्मा ए आपका हो गया पी, तो पी की वैल्यू हो गई स्ट्रेस इंटू एरिया। यहाँ पी पता है आपको टोटल कितना है, टोटल पी पता है 900 × 10�³। पी बी को क्या लिखोगे, सिग्मा इंटू ए, क्योंकि लोड का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस इंटू एरिया, तो ये हो गया सिग्मा बी ए बी। और पी एस को क्या लिखोगे, सिग्मा इंटू ए सिग्मा एस ए एस। यार ये मैं चौथी बार बता रहा हूँ, अब तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को यार, आई होप। कमेंट करना, पी का लोड का फॉर्मूला स्ट्रेस इंटू एरिया, ब्रास है इसलिए बी बी, लोड का फॉर्मूला स्ट्रेस इंटू एरिया, स्टील इसलिए एस एस। मेहनत कर लो यार, नहीं तो फेल हो जाओगे। चलिए सिग्मा एस पता है आपको, क्या पता है, 2 σc कहाँ से, बी 2 σb। चेक कर लूँ एक बार यार, गलत कैसे लिख दिया था मैंने, ठीक है चलो होता है कभी कभी मिस्टेक। तो इसको लिख सकते हैं 900 123, सिग्मा बी को सिग्मा बी ही रहने दो, ए बी निकाला था ना अपन ने एरिया फॉर ब्रास, कहाँ मेंटेन किया था उसको, हाँ ए बी मेंटेन किया ना यहाँ, देखो 5340.7 प्लस सिग्मा एस की जगह पे 2 σb, और ए एस मेंटेन किया अपन ने 4712.4। ठीक है, सिग्मा बी कॉमन ले लो, दोनों में ही है, ठीक है थोड़ा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, 9123 सिग्मा बी कॉमन ले लो, बचा 5340.7 प्लस 2 × 4712.4। ठीक है फ्रेंड, कमेंट वमेंट करना भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिग्मा बी इसको मैं एक ही बार लिख देता हूँ ना मैं कैलकुलेट करके, चलो मैं लिख दूँ भैया जल्दी से आ जाओ कैलकुलेटर, 2 × 4712.4 प्लस 5340.7, चलो ठीक है 14765.5। अब इसको क्रॉस में नीचे भेज दो तो 9123 बटे 14765.5 इक्वल्स टू सिग्मा बी। तो फ्रेंड इसको डिवाइड कर लो, 1 2 1 2 3, मेरी आवाज़ डाउन हो गई भैया, भूख लग गई बहुत तेज, 60.95 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया सिग्मा बी स्ट्रेस इन ब्रास। मेंटेन करो सिग्मा बी हो गया
60.95। तो आपको पता है ना, सिग्मा एस भी निकाल दो। सिग्मा एस कितना है, 2 सिग्मा बी। कट जाओ भाई, अभी 2 × σb कितना है, 60.95। तो यहाँ से सिग्मा एस भी निकल गया मेरे दोस्तों। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? 121.90 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से सिग्मा एस भी निकल गया 121.90 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। यार वीडियो को फिर से देखना, अगर ये स्टेप ना समझ में आया हो, बार बार बोलूँगा, वीडियो लंबा होगा, ठीक है? तो यहाँ तक फिर से देख लेना, फिर आगे बढ़ना। तो अपना स्ट्रेस निकल चुका है, अब अपन को क्या निकालना है फ्रेंड, लोड निकालना है। तो आप इतना नोट करो, फिर अपन क्या निकालते हैं, लोड निकालते हैं। चलिए फ्रेंड, अब आपको लोड निकालना है सभी के लिए, तो आइए लोड निकालते हैं। देखिए लोड सबसे पहले निकाल लेते हैं ब्रास में। तो लोड इन ब्रास ट्यूब पीबी, क्या लिखा था पीबी, स्ट्रेस इनटू एरिया, मतलब ए बी सिग्मा बी और ए बी। चलो सिग्मा बी कितना है, 60.95, और ए बी कितना है, 5340.70। भाई कर लेना मल्टीप्लाई, जो होगा वो आंसर। फिर निकाल दो, कर देता हूँ यार भाई, तुम लोग भी कहीं गाली वाली ना देने लगे, कोई बोलोगा सर घटिया पढ़ाते हैं, आंसर नहीं निकलवाते हैं, कभी साल आंसर गलत निकला ना तो मज़ा आएगा। 325515। चलो ठीक है यार, कंसेप्ट पे ध्यान देना, कैलकुलेशन कभी मिस्टेक मुझसे भी हो जाता है, तो परेशान मत होना, कंसेप्ट पे ध्यान देना, कंसेप्ट पे। लोड इन स्टील का निकाल दो, तो लोड इन स्टील ट्यूब पी एस सिग्मा एस ए एस, सिग्मा एस कितना है, 121.90 इंटू ए एस कितना है, 4712.4। यार इसको लिख लेना आप लोग, चलो कैलकुलेट कर लेना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, लोड निकल जाएगा। तो इतना नोट करो, क्योंकि अभी चेंज इन लेंथ भी निकालना है। थक गया हूँ मैं, आप भी थक गए होगे, लिख लो फटाफट, फिर चेंज इन लेंथ निकाल देते हैं। चलिए फ्रेंड, यहाँ पे आपको अमाउंट शॉर्ट एंड भी निकालना था, मतलब कि चेंज इन लेंथ भी निकालना था। तो मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, कि दोनों का चेंज इन लेंथ क्या होगा, सेम होगा। मतलब जो चेंज इन लेंथ ब्रास का है, वही चेंज इन लेंथ आपका स्टील का भी होगा। तो आप किसी भी एक का निकाल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए तो आप लिख दो कि चेंज इन लेंथ किसी का भी निकाल दो यार, इक्वल होगा, ठीक है? तो ब्रास का निकालोगे तो बी ले लो, क्या होता है चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला, पी एल अपॉन ए ई। पी तो चलो कॉमन है, एल भी कॉमन है दोनों का, एल तो एल बी भी सेम हो जाएगा, ये आपका ए बी, ये आपका हो जाएगा ई बी। पी कितना है, पी है 900 × 10³, एल बी दोनों सेम था ना, 140, एरिया भी 5340.70। चलिए ई बी, ई बी 1 × 10⁵। कैलकुलेट कर लेना दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? चलिए मैं कर देता हूँ कैलकुलेट, 900 × 1000 × 140। तो 1, 2, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको भी कर लो, 5340.70 × 1, 2, 3, 4, 5, 0। तो ये हो गया 5340.70 × 1, 2, 3, 3, 0 से 3, 0 कैंसिल, डिवाइड कर दो 1, 2, 6, 1, 2, 3 डिवाइडेड बाय 5340.70 × 0.235 मिलीमीटर। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, ये आपका हो गया चेंज इन लेंथ। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में नहीं आया तो आप फिर बहुत दिक्कत में हो, क्योंकि इससे अच्छे से कोई एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। तो थोड़ा समय दो यार, थोड़ा समय दो, थोड़ा समय दो, एनर्जी को लाओ थोड़ा सा,
ठीक है, और शेयर करो दोस्तों, क्लास व्लास कभी बंद बंद हो जाएगा नहीं तो फिर मुझे मत बोलना, ठीक है। नोट करो, अच्छे से पढ़ना इसको, 2-3 दिन टाइम लो। बाय बाय, टेक केयर।